यहाँ पे जिस बच्ची ने गूगल किया होगा माय बॉडी माय राइट उसको वो सब नेगेटिव जरूर मिली होगी। एसोसिएटिंग योरसेल्फ और योर डॉटर्स और योर फैमिली अगर आपको कोई प्ले कार्ड उठाना हो तो उस पे क्या लिखा होगा आई अप लाइक औरत जस्ट, वर्ड औरत मींस रिस्पेक्ट आपको फ्रीडम किससे चाहिए किस चीज से चाहिए यू ऑल दीज प्रिविलेज्ड exactly फाइटिंग फॉर एजुकेटेड और डिग्निफाइड खातीन किसी भी मुआशरे में हूं तो वो जबरदस्त एसेट और स्टेबिलिटी होती है उस मुआरे का उस खानदान का और वो मर्द जो उनको इज्जत दें उनकी रिस्पेक्ट करें उनका रिगार्ड करें वो मर्द रोल मॉडल होते हैं हमारे यहाँ पे एक बड़ी डिबेट ऐसी चल रही है जिसमें हर कोई उसमें शामिल है लेकिन हमें ये तय करना है कि हम कहाँ उस डिबेट के साथ जा रहे हैं मुझे खवतिन से ये पूछना है कि उन्हें फ्रीडम चाहिए या इक्वेलिटी दे लुक बिट कंफ्यूज और एट टाइम जब विमेन मार्च की यहाँ पे बात आती है जो स्लोगन्स वहां पे रेज किए जाते हैं क्या हमारी खवतान अपने आप को उन स्लोगन्स के साथ रिलेट कर पाती हैं या फिर एक ये मैनॉरिटी और बहुत छोटी मिनोरिटी के ये स्लोगन्स हैं चांद हज़ार खवतान पाकिस्तान की फिफ्टी वन परसेंट पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेटिव हैं कि नहीं ये मुझे आज जानना है और इसके लिए मेरे पास ऐसी दो खातें हैं जिनके अपने ख्याल हैं और उनकी ओपिनियन है जिस तरह बाकी खवतान की है जिसकी हम इज्जत करते हैं लेकिन एट द सेम टाइम ये दोनों बेशुमार खवतन से मिलती भी हैं दे आर टीचर दे मीट दी पेरेंट्स दे मीट दी गर्ल्स स्टूडेंट्स एंड देन इन अ वे आई बिलीव के जो उनकी अपनी थाट है वो बेशुमार लोगों के ख्याल को भी रिप्रजेंट करती है लकी टू हैव विद मी टूडे मुबीन वाला जो बहुत बड़ी सोशल रिफॉर्मिस्ट हैं आज यहाँ पर मौजूद है मुबीन थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम और मेरी दूसरी मेहमान हैं आतिफा शुएब शीज आ टीचर और अगेन अ रिफॉर्मस्ट थैंक यू वेरी मच आतफा आपका भी बहुत शुक्रिया मुझे मुबीन आप ये बताएँ खातीन जो हैं जो एक डिबेट अभी चल रही है इसमें मुझे क्लैरिटी चाहिए कि खातान को आज के टाइम में हमारी सोसाइटी में इक्वलिटी चाहिए या फ्रीडम चाहिए आपका इसके बारे में क्या ख्याल है

तरीके से उसको पोर्ट्रेट किया जाता है डू यू यू थिंक वर्ल्ड वाइड आप पूरी दुनिया में जाती हैं और हर जगह पे आप देखती हैं द काइंड ऑफ स्लोगन दैट वी सी बीइंग एसोसिएटेड टू द लेडीज ओवर हेयर हुयर

इस्लाम ने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने औरत को वैसे ही इतनी रिस्पेक्ट दी है वी डू नॉट नीड टू से गिव अस रिस्पेक्ट वी डू नॉट नीड टू से हमें इक्वालिटी चाहिए हमें तो ऑलरेडी इक्वालिटी है मुझे मुझे इस पर बड़ी लंबी बात करना है लेकिन अतफा मुझे ये बताएं आप लिटरेचर की स्टूडेंट हैं पूरी दुनिया का लिटरेचर जो है लिटरेचर से बात हम कोई दस साल या सौ साल की बात नहीं करते मुझे अगर एक हज़ार साल से ऊपर भी जाना हो तो लिटरेचर में किसी जगह पर जहाँ पर लफ्स बॉडी इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब क्या है दर्ल्ड बॉडी या जिसम की जो कॉलिटिशन लिटरेचर में किसी भी आप कंट्री का उठा के देख हैं चाहे इंग्लिश हो चाहे रशियन हो चाहे उर्दू हो जिसम के साथ कोई पॉजिटिव इमेज नहीं एसोसिएट किया जाता है इट इज़ दैट इज़ बिकॉज औरत और जिसम ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसम जो है वो एक इंतहाई फिल्म बनी हो उसपे ड्रामा बना हो उसमें it right. आप, आप किसी भी लिटरेचर को उठा कर फीमेल वुमन है या होम मेकर उसके तो dignity, it, it, it आपकी डिग्निटी रिफ्लेक्ट आपको तो नहीं आपके लिए, के लिए काफी है। जो गलत तासर निकला होगा जो इन पॉजिटिव समझता हूँ गलत यह है कि जहां पे जिस बच्ची ने गूगल किया होगा माई बॉडी माई राइट उसको वो सब नेगेटिव कॉनिटेशन जरूर मिली होगी इवन गिव दैट एक्चुअली बिकॉज देर इज वेयर फ्रॉम वेयर दिस मूवमेंट स्टार्टेड

सो वाई एसोसिएटिंग विद विमेन लाइक दै वाई यू एसोसिएटिंग योर सेल्फ और योर डॉटर्स और योर फैमिली विद विमे लाइक ठीक है ठीक है ठीक है मुबीन मुझे ये बताएं पूरी दुनिया में हम ये बात करते हैं ऑपरेशन की बात करते हैं हम ये कहते हैं कि ख़वातीन के साथ जाती हैं उनको उनके राइट्स नहीं दिए जाते पाकिस्तान में भी हमारी यही डिबेट है कि ख़वातीन के जो ड्यू राइट्स हैं जो इक्वलिटी की हम बात कर रहे हैं उनके उनके राइट्स देने चाहिए

And uh, Benazir was the first woman prime minister. Right, I, we don't see the, those in the western world. We do not. And then uh, there are many. Uh, I have many foreigner friends who want to marry Pakistani men because they say the men in Pakistan treat women like queens. Oh, oh really? But ये है वैसे। And we are treated hai. like queens. ये तो बड़ी जबरदस्त सवाल है असली। मुझे एक बात बताएँ कि एक मर्द को हम एक खामत की शक्ल में ही देखते हैं, लेकिन एक मर्द जो है वो बेटा भी होता है, वो बाप भी होता है, वो उसकी अपनी फैमिली के � डू यू फाइंड मर्द बी डिसमेन आई मीन हमें तो अपने मुआरे में नजर नहीं आता नहीं। वो चाहते कुछ जुनूनी लोग होंगे वह जुनूनी मर्द भी हो सकते हैं जुनूनी खवातिन भी हो सकती हैं बट देट कैन नॉट रिप्रेजेंट दर सोसाइटी फॉर वेरी ट्रू देर ऑलवेज गुड मैन एंड गुड एंड बैडन औरत ने अपनी रिस्पेक्ट खुद करानी है अगर uh, uh, औरत अपनी वर्थ एक क्रिएट uh, करेगी तो कोई देर इज नो डाउट कि उसकी रिस्पेक्ट ठीक है मुझे मुझे आप ये बताएं

तहजीब का दामन आप नहीं छोड़ सकते हम, आप अहले ज़बान पहले आप तहजीब कैसे छोड़ सकते She is representing actually because that is a means of. We raise young girls. Okay. We, we are in a profession where we raise young girls. I, I, so many students have been through my hands. We are so careful standing in a classroom, we are so careful about what we are giving or imparting to our children. Now, people were like these women like this when they get up and they raise slogans like this. What are we giving to the future generation? Right, right. What type of girls are we raising? What type of mothers are we going to raise in the future? Which are then again responsible for another generation. Who are, who are those? Uh... विमेन फॉर दैट मैटर हु वांट दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ़ फ्रीडम एक्शन क्या क्या बैकग्राउंड मैं समझना चाह रहा हूँ अगर आप मुझे ये बता रहे हो जिस प्रोग्राम से पहले भी बात कर रहे थे कि हमारा जो फैमिली स्ट्रक्चर है हमारा जो कल्चर है नॉट ओनली हमारा कल्चर पूरी दुनिया में इस तरह की फ्रीडम को वो वेस्ट व्यूस को कंडेम किया जाता है नो बडी अप्रिशिएट दैट

Does not get the same amount of wages that a man does. Why? Why are we discriminated on basis of gender when it comes to paying us? Very don't true. don't we work hard? If I am putting in 12 hours of work and a man is putting 12 hours of work, why is he getting paid more than I am? Very true. The, very true. You want to fight? You want to you want to fight? Fight for the rights of girls' education. छः बहनें होंगी एक भाई होगा वो स्कूल जाएगा बहनें स्कूल नहीं जाएंगी क्यों बहनें स्कूल नहीं जाएंगी? Very true. true. भाई को पढ़ाना है बहनों को नहीं पढ़ाना क्यों नहीं पढ़ाना?

खवतन से रिलेटेड तो बेशुमार बार इशूज़ हैं और आज का टाइम जहाँ पे खातन वोकल हैं उनके पास एक्सपोयर है मैं आज की अगर खवतानी को कंपेयर करूँ आज से बीस साल पहले तो बहुत लिबर्टी है एक्सप्रेशन का है जॉब करने की अपॉर्चुनिटीज़ है अगर आज हम अपने हिस्से का रोल नहीं प्ले करेंगे खवतन के जेनवन प्रॉब्लम हाईलाइट करने में तो इस तरह की बातें से तो जेनवन प्रॉब्लम दब जाएंगे हमारे खुवान के बहुत सारे प्रॉब्लम हैं जिनको हल किया जा सकता है उनके साथ उन पर तजाब डाला जाता है उनकी छोटी उम्र में शादियाँ कर दी जाती हैं उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट एजुकेशन की बात अभी दीज आर द दैनवन इशू ये इशू नहीं है ये शायद इसकी ज़रूरत नहीं है वाट यू से अबाउट दैट दिस इज़ लाइक काइंड ऑफ पोलराइजेशन ये डेमोक्रेसी uh, को डिवाइड कर रहा है जो असल इशू था कि वीमेन राइट्स एट होम एट वर्क प्लेस वो सारे देव गॉन इन द बैकग्राउंड

डू यू थिंक दो पैरल मार्च होने चाहिए एक इस तरह की खातन जो ये चाहती हैं और एक डिग्निफाइड ये चाहती हैं कि बच्चों की तरबियत अच्छी हो उनको हम अच्छा अच्छी अच्छी जिंदगी का सूर बताएं उनको हम बताएं एक्चुअल के लाइफ क्या है मेरा मज़हब क्या है मेरा कल्चर क्या है ये बताने की जरूरत है मेरे मार्ण मार्ण की क्या है इसके लिए अच्छी नहीं है

फोर फ्रंट पे कोई एक परसेंट खातन होंगी वो सब मर्द हैं वो कहती है कि जहाँ पे आदमी की लाइफ इन्वॉल्व है वहाँ पे मर्द सबसे आखिर पे आता है उसकी लाइफ एट रिस्क है इसके इर्द गिर्द उसने डू यू थिंक हमारे यहाँ पे भी मर्दों की जो ये पार्ट है वो आवाज़ नहीं उठाते बेचारे उनके साथ जातियाँ होती हैं तो ही हैज़ टू बी देयर बट बट विमेन टेक एडवांटेज ऑफ इट Right. वो, वो हमेशा बैकग्राउंड में रहती हैं तब वो कहती है कि आदमी सब ये सारे काम करे जितनी चीजें हैं बट वेन इट्सिजम देवल राइट अलमास आदमी की और फायर ब्रिगेड की बात करें कि सोशली भी आदमी बेचारा हमेशा डिप्राइव ही रहता है The day born, ये कम, के के, बहुत करती जिस दिन से बेचारा पैदा होता है वो खिदमत करना शुरू हो जाता है वो खलील रहमान कमर ने बड़ी अच्छी बातें की लेकिन सब उसने वो बेचारा जो है औरत की खिदमत करना शुरू होता है पहले माँ की खिदमत

Uh, how can you demand equality when being muslims the quran states that men and women are not equal mm -hmm.

अच्छा मुझे मुझे ये बताएं बच्चियां जिनको आप पढ़ाती हैं को, lately, कोई लेटली कोई क्वेश्चन ऐसे जिन्होंने आपको सरप्राइज कर दिया कमिंग फ्रॉम द गर्ल्स एक्चुअली Uh, I think because Momin, you will be able to answer that because you teach at a more senior level. Uh, like um, once I told the girls to like uh, girls should not speak so loudly and scream in the class. They should speak softly. So they said, teacher, you you are being judgmental. you uh, why should boys scream and we should not? I think God has made uh, a woman a very delicate and a soft creature. Uh -huh. Uh -huh. She should behave that way. A man has a different role. Uh, I believe both are equal. Uh, both minds are equal. Everything is equal. They uh, uh, I disagree that they're not equal. they, they

बट आई मीन टू से कुरान में औरत और आदमी को इक्वली करेंट्रेल्थ इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेन्थर मैन इज स्ट्रॉर देन वुमन फिजिकली बट इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली वीमेन आर स्ट्रॉगर राइट 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 ठीक है ना मैन आर नॉट एज स्ट्रग इमोशनली और साइकोलॉजिकली एज वीमेन आर दे आर मोर पेशेंट

कि क्लैरिटी आए हमारे यूथ के अंदर क्लैरिटी आए हमारे खातीन को पता चले कि जो उनके प्रॉब्लम्स हैं उनको हाईलाइट करने की जरूरत है हमें गलत रंग में नहीं रखना हम उस साइड पे नहीं जाना चाहते विच इज नेगेटिव डिग्निटी इज हाल मार्क ऑफ माई वन इट शुड ऑलवेज रिमेन बिकॉज दे आर सोना डिग्निफाइड थैंक यू वेरी मच